global advertiser for innovative outdoor solutions. This camera, please. How was the film and what do you have to say about the film as such? I mean, what is the message about the film? The message behind the film is the crux of the movie. Sabhi ko dekhni chahiye, bahut hi sensitive message hai, log baat nahi karte iske bare mein. Awareness hona, movie ek step hai us awareness ki taraf, but apni taraf se hum log ko wo awareness hona padega, wo normalize hona padega. So how will the female relate to this real story as well? हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, मुंबई में हैं, तो हमारे अराउंड क्राउड थोड़ा लार्जली सेंसिटिव है, जानते हैं, बट इस हर जगह ऐसा नहीं है, तो जो लोग सेंसिटिव नहीं है उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए. सोशल मैसेज एंड इट्स टॉकिंग अबाउट हाउ इंडिया इज लेस पेनेट्रेटेड अबाउट म्यूजिक बैंड, सो इट्स अ गुड कॉज. आई रियली लाइक हाउ ही एक्टेड एंड वाज एबल टू कैरी हिमसेल्फ. So, do you think men are supporting in this cause as such, or they neglect all these things? I'm not sure about how they're happening, but yeah, obviously it's a different picture in the rural India, and I really hope this message is able to drive its message through them. What the film? कितना different है और क्या inspired क्या करेगा जो women हैं या जो भी जेंडर मासेस? I think the film, ये जो film थी, ये इतनी बढ़िया film थी कि अक्षय कुमार जो आया है as a hero. मतलब अक्षय कुमार हैज़ डन सो वेल. उसने एक सोशल मैसेज, ही हैज़ रीच्ड टू मिलियन नंबर ऑफ ऑडियंस, बिलियन नंबर ऑफ पीपल. हमें फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसको अमेरिका में रिकग्नाइज किया गया फॉर ए स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस. उसने जो काम किया, इट्स सो मर्क्यूरियल, इट्स सो वाइवेशियस. लोग पूछते हैं कि आपको फिल्म कैसी लगी, आपको फिल्म कैसी लगी? हमको फिल्म ऐसी लगी कि मतलब हमारे आंसू भी नहीं आ रहे थे, हमारी हंसी भी नहीं आ रही थी. हम बस एक तक वो फिल्म देख रहे थे कि हाँ, अक्षय कुमार एक बैडमैन आया और उसने इतना अच्छा सोशल मैसेज पूरी दुनिया को पहुँचाया है कि हाँ, मैं बैडमैन हूँ. और आप जो गांव भर के लोग हैं इधर उधर, जिनको सेप्टिक हो रहा है, ये सब गंदी गलत गलत चीज़ें हो रही है, नहीं, आप वो चीज़ नहीं करें. सिर्फ 2 रुपए में मैं आपको वो रक्षा दूंगा एज अ. अक्षय द फेस ऑफ द मूवी, व्हाट अबाउट राधिका आप्टे एंड सोनम कपूर? राधिका आप्टे, सोनम कपूर, बहुत उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है. बट द मूवी, जैसे कि हमें पता है बैडमैन, तो मेरे को तो बैडमैन के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था. लोग बोलते हैं बैडमैन, सुपरमैन, ये हीरो वो हीरो, उनमें इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन जो बैडमैन में शक्ति है वो और किसी में. ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, संगीत के बारे में? म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था फिल्म का. बस लेकिन हम मतलब अगर आप मुझसे पूछो ओवरऑल, तो म्यूज़िक हुआ, एक्ट्रेस हुए, और भी जो लगती हूँ मैं इस मूवी को. थैंक यू सो मच. मूवी में जो वुमेन ओरिएंटेड मैसेज है और जो लड़की की कोशिश है अपनी वाइफ के लिए, जितना उसको प्यार है अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहनों के लिए, वो बहुत स्पेशल है, जो कि यहाँ पे मर्दों को एक्चुअली देखना चाहिए. यहाँ नहीं तो एटलीस्ट गाँव में देखना चाहिए, क्योंकि आज भी वो औरतों को वही समझते हैं, घर में रहने वाली, वो कुछ काम नहीं करती, सिर्फ घर में खाना पकाती है, ऑल दैट, और चम्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. आज भी लड़कियाँ शर्माती हैं, तो कोई शर्म नहीं है. हम लड़कियां हैं, हम ऐसे ही पैदा हुई और हमें जब सोने ही होने हिंदी है, तो तुम्हें शर्म करने की जरूरत है. तुम अपने बाप को भी बोल सकते हो पैर लाने के, तुम अपने भाई को भी बोल सकते हो. एक्टिंग पार्ट इन द डायरेक्शन पार्ट, इट वाज वेरी गुड. बट ऐसी तो फिल्में और भी बनी है, तो बैडमैन ही स्पेशल क्यों है? क्योंकि टॉयलेट बनी और काफी सारी फिल्में बन रही है जो, क्योंकि वो सब अपने अपने सब्जेक्ट्स पे थी. ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत यूनिक है, ये कोई इजीली उठाने से रहा था कि पीरियड, आई मीन तो पीरियड्स का सब्जेक्ट बहुत किसी ने अभी तक उठाया नहीं था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हम लड़कियों के लिए. एज एन गर्ल अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मैसेज में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को लेके बहुत शर्म है कि हम अगर पीरियड में होते हैं या चम्स में होते हैं तो हमें बाहर निकाल दिया जाता है. हमें हालांकि यहाँ पर मुंबई में ऐसा नहीं है, बट गांव में जिस तरीके से वो मूवी में बताया गया, और ये दिखाया गया है कि एक लड़का अपनी वाइफ के लिए कैसे कैसे स्ट्रगल करता है और लोग उसको कितना रोकते हैं, बट फिर भी वो अपनी हार नहीं मान रहा. एक लड़का होके वो अपना पूरा एफर्ट दे रहा है. यहाँ पर हम लड़कियाँ नहीं सोचती एक दूसरे के लिए, या मतलब जो भी गाँव होगा, बट उसने अपनी हार नहीं मानी और उसने वो करके दिखाया. मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि इतना, अगर जिसके ऊपर वो मूवी बनी है और जिस तरीके से उन्होंने मूवी बनाई है और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया आर मालकी ने,
और अगर जैसा जैसा है मुझे बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा लगा कि अक्षय कुमार के अलावा कोई एक रोल कर सकता था आपके साथ। आई डोंट थिंक सो, अक्षय कुमार से बेटर अगर किसी ने कर कि कोई नहीं कर सकता था। क्या किया उन्होंने, ऐसा क्या स्टैंड आउट किया? उन्होंने एकदम नेचुरली एक्टिंग की है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई बॉडी शो नहीं है, कोई इतना नहीं है कि उनको हीरो है तो हीरो बनना है, बट उन्होंने बहुत नेचुरली दिखाया है एक आम आदमी किस तरीके से अपने लाइफ में स्ट्रगल करके किस तरीके से किसी को ही हीरो बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि हीरो मतलब बॉडी बन के दिखाना ही हीरो होता है, तो उन्होंने वो चीज़ें दिखाई और वो उन पर बहुत सूट हो रही है। आई थिंक हो सकता है कि किसी और ने किया होता तो अच्छा ही किया होता, बट अक्षय कुमार ने डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसा? आर बार के सर ने बहुत अच्छा, मतलब मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी मूवी, स्टेप बाय स्टेप है मूवी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। और मूवी में एक मैसेज के अलावा मूवी बहुत एंटरटेनमेंट है, आप हंसते हंसते भी पागल हो। कितना स्टार देंगे आप? 5। राधिका आप्टे और सोनम कपूर दोनों में से किसका पल्ला भारी पड़ा? देखो पल्ला भारी पड़ने की बात यह है कि राधिका आप्टे जो रोल प्ले कर रही है वो देसी है और वो प्ले जो कर रही है तो उनका कैरेक्टर उन पर सूट कर रहा है, उनका कैरेक्टर उन पर सूट कर रहा है, तो मुझे दोनों में से कोई फ़र्क नहीं लगा, दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट है। बट मुझे एक मूवी से ये लगा कि आज तक के मैंने जितनी भी मूवी देखी है जो लड़कियों पर आई है, वुमेन ओरिएंटल, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी मूवी देखी है जो मैन ओरिएंटल है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं वुमेन हूँ आई नो, बट मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक मैन ओरिएंटल मूवी आई है लड़की के ऊपर। चलो रोल काफ़ी अच्छी मूवी लगी, इसमें अक्षय कुमार की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और राधिका आप्टे भी जी बोलिए कई मूवीज ऐसी कह चुकी हैं जो सर बोलिए हटके हो। हाँ और हर बाल्की के डायरेक्शन में मूवी बहुत अच्छी लगी। तो जो है कुछ लोग इसको ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहे हैं भेजने के लिए, जो है क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम लीक से हटके अभी तक ऐसे टॉपिक पे मूवी बनी नहीं है और अक्षय कुमार आजकल कुछ इस टाइप की मूवी ला रहे हैं जैसे कि टॉयलेट एक पे लखा लेके आए थे जिससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैली है और ये तो उससे बड़ा टॉपिक है जो वुमेंस के ऊपर है जिससे वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कुछ अनहाइजीनिक चीज़ें यूज़ करके उनको इन्फेक्शन वगैरह प्रॉब्लम को होगी कि हमें उनको उससे गाइडेंस मिलेगी कि हमें अनहाइजीनिक चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी हेल्थ खराब हो। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.